नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को आपके दिल से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो बताने वाला हूँ। कहने का मतलब है कुछ हेल्दी टिप्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों के दिल को सुरक्षित रखने में आप लोगों की मदद कर सकती है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो आप लोगों के पूरे शरीर में रक्त का संचार करवाता है, और यही हार्ट होता है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक सप्लीमेंट की जो कि हेल्थ विट का है, जिसका नाम है कोक्यूवेट। इसमें मिलता है आप लोगों को को क्यू एंजाइम Q10 100 मिलीग्राम के साथ। हाई एंड बेटर एब्जॉर्प्शन है, प्रमोट हार्ट हेल्थ, वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट, प्रमोट एनर्जी एंड स्टेमिना। 60 कैप्सूल्स इसमें आप लोगों को मिलते हैं। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है और ये हेल्थ विट का प्रोडक्ट है। हेल्थ विट बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल के बना चुका है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो भी चेक कर सकते हैं। 1600 रुपये इसकी MRP दी हुई है और ये एक विज प्रोडक्ट है, जैसा कि इस पर जो है सिंबल दिया गया है। अब लो हम लोग बात कर लेते हैं वार्निंग्स की। तो अगर इफ़ यू आर प्रेग्नेंट नरेसिंग और टेकिंग एनी मेडिकेशंस, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज। इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं या कोई पहले से दवाइयाँ चल रही हैं तो। कोक्यू एंजाइम Q10 इज हेल्प यूजफुल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करने में हेल्प कर सकता है, स्पेशली फॉर द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट के लिए, लीवर के लिए और किडनी के लिए। इट इज यूजफुल फॉर एंटीऑक्सीडेंट दैट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल इन द बॉडी। फ्री रेडिकल से जो डैमेजेस बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट में बहुत अधिक मदद करता है ये को क्यू एंजाइम। अगर हम लोग इसमें देखें कोक्यू टेन की जो मात्रा है, अमाउंट पर सर्विंग है 100 मिलीग्राम दिया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये हेल्थविट का एक प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट जो है वो खरीदना है तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप लोग जो हैं ये कोक्यू एंजाइम कोक्यूविट जो है खरीद सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मिलता है कोक्यू एंजाइम Q10 100 मिलीग्राम। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करें तो इस प्रकार की पैकेजिंग आप लोगों को मिलेगी, पूरी सील्ड पैकेजिंग आप लोगों को मिलेगी और इस प्रकार के कैप्सूल्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को पूरी डिटेल में जानना है तो हेल्थविट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आप लोग इसके बारे में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला था। सबसे पहला है टेक ए 10 मिनट वॉक, यानी कि सुबह की मॉर्निंग वॉक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 10 मिनट की ही क्यों ना हो। 10 मिनट की वॉक के साथ आप लोग अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में आप लोगों को बहुत अधिक हेल्प मिलती है। अरेट्रिस की जो सूजन होती है उसको कम करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करती है ये 10 मिनट वॉक। तो अगर 10 मिनट वॉक कर लेते हैं तो हार्ट हेल्दी रहने में आप लोगों की मदद मिल सकती है। दूसरा है ईट वन एक्स्ट्रा फ्रूट और वेजिटेबल ए डे, यानी कि हर दिन जो है एक्स्ट्रा एक फ्रूट या वेजिटेबल्स का एक पार्ट जो है आप लोग एक्स्ट्रा खाएं, जिससे आप लोगों के शरीर को फाइबर मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिससे आप लोगों का हार्ट जो है वो हेल्दी रहने में आप लोगों की मदद करेगा, और जितने भी कार्ब्स हैं एक्स्ट्रा कार्ब्स उन्हें छोड़ दें। तीसरा है मेक ब्रेकफास्ट काउंट, यानी कहने का मतलब है सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो न्यूट्रेंट डेंस होना चाहिए, चाहे वो ओट्स हो, चाहे वो आप लोगों का फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, तो उसके साथ आप लोगों का हार्ट जो है वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। बजाय आप लोग जो हैं ऐसे फूड्स खाते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है या ट्रांसफैट होता है, तो ऐसे ऑयल्स या ऐसे बेकार का आहार जो है बिल्कुल छोड़ दें और सुबह के खाने में आप लोग न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लेंगे तो आप लोगों का हार्ट जो है वो जवान रहेगा और अधिक तेज गति से आप लोगों के लिए काम करेगा। तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड का इस्तेमाल करें। फोर्थ है स्टॉप ड्रिंकिंग योर कैलोरीज। कैलोरीज अगर आप लोग ले रहे हैं तो उसको एक अच्छी मात्रा जो है वो उनकी होनी चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग सोडा या आप लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं तो उसमें कैलोरीज नहीं है, उसमें बेकार की कैलोरीज हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं जो आप लोगों के हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो डाइट्री सोडाज का इस्तेमाल करना बंद करें और हेल्दी फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं आप लोगों के हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए। नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को। फिफ्थ नंबर हैव ए हैंडफुल ऑफ नट्स। अगर आप लोग चिप्स वगैरह अपने हाथ में रखते हैं और अगर आप लोगों को भूख लगती है तो आप लोगों के लिए गलत है, आप लोगों के हार्ट के लिए गलत है। इससे अच्छा है कि आप लोग जो है नट्स और ड्राई फ्रूट्स का आप लोग इस्तेमाल करें, चाहे वो अखरोट हो, काजू हो, बादाम हो, पिस्ता हो, या आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है वो अपने हाथ में रख सकते हैं बजाय चिप्स और
ऐसे बेकार के हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बने हुए पदार्थों से, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे अगर आप लोग आलमंड खा लेते हैं एक दो तो स्नैक्स के रूप में, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय आप लोगों के चिप्स खाने के। तो ये एक अच्छी टिप्स है आप लोगों के हार्ट को हेल्दी रखने में, आप लोगों की मदद करती है और जवान बनाए रखती है सैकड़ों आप लोगों के कई सालों तक। छठे नंबर की टिप है ब्रीथ डीपली, यानी कि आप लोगों को जो श्वास लेना है वो गहरा लेना है, ताकि आप लोगों के लंग्स जो हैं पूरी ऑक्सीजन फील कर सकें और आप लोगों के हार्ट को हेल्दी रखने में आप लोगों की मदद कर सकें। तो इसके लिए आप लोग जो हैं प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या आप लोग जो हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नंबर 7 टिप है वॉश योर हैंड्स ऑफन, यानी कि जब भी आप लोग बाहर जाएं या कभी भी आप लोगों को टाइम मिले तो अपने हाथों को जरूर धोएं, क्योंकि जब भी आप लोग कुछ भी खाते हैं तो वो अपने हाथों से ही खाते हैं और वो आप लोगों के लिए हर्ट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शंस हो रहे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हैं हर्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शंस हो, वो आप लोगों के हर्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपना जब भी बाहर जाएं या जब भी आप लोग जो मौका मिले तो अपने हाथों को जरूर धो लें, और एक अच्छे से आप लोग जो हैं हैंड वॉशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और मैं यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।